हेलो दोस्तों, श्वेतानी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सौराष्ट्र स्पेशल ढोकली की सब्जी जो बेसन से बनती है। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। 1 कप बेसन के सामने हमें मेजरमेंट के लिए 1.5 कप जितना हमें पानी लेना है। आप पानी भी ले सकते हो, दही भी ले सकते हो, छाछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे पानी लिया है क्योंकि मैं नींबू का और छाछ का इस्तेमाल बाद में करने वाली हूँ। तो 1.5 कप पानी को अभी हमें उबालने रखना है। मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है जिसके अंदर मैं ये पानी ट्रांसफ़र करूँगी, और ये पानी जब तक उबलता है तब तक हमें इसका वेट करना है। तो पानी जैसे ही उबलने लगेगा हम इसके अंदर थोड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें मैंने डाला है नमक। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है, पानी की जो मात्रा है वही हिसाब से हमें नमक डालना है। हल्दी डाल दी है, हल्दी मैंने नियर बाई 1/2 टीस्पून से कम लिया है। 1/2 टीस्पून से कम इसमें जाएगा धनिया पाउडर। ये सारे मसाले हमको पानी के अंदर मिक्स करना है, और इसके अंदर 1/2 टीस्पून जितना मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। अभी इसके साथ मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट जो है उसको पानी के अंदर मिक्स करना है। तो इसके लिए मैंने एक बेलन का हेल्प लिया है क्योंकि हमें बेसन इसके अंदर मिलाना है। तो अगर हम चम्मच से मिलाएंगे उससे अच्छा है हम कोई लकड़े की चीज़ से मिलाते तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। देखिए ये पानी बहुत अच्छे से उबलने लगा है। अभी इसके अंदर हमें बेसन डाल देना है। ये बेसन हमने जो 1 कप लिया हुआ था वही मैं डालूंगी। देखिए इस तरह से बेसन हमें इसके अंदर डाल देना है, और यही बेलन की मदद से हमें इसको पूरा पानी के अंदर मिक्स कर देना है। इसको अच्छे से हिलाना है जिससे इसके अंदर की जो ये गुठलियाँ जामी है वो भी निकल जाएगी। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखो पानी की और जो भी छाछ आप ले रहे हो उसका जो मेजरमेंट है वो ठीक से लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर कम रहेगा तो वो ज़्यादा एकदम से कड़क बनेगी। तो हमें इतनी कड़क नहीं चाहिए। मैंने और इसके ढक्कन लगा दिया था। अभी देखो ये हो गया है। अभी इसके अंदर मैंने 1/2 लेमन इसके अंदर डाला है। ये थोड़ा खट्टास, मैंने यहाँ पे छाछ इस्तेमाल नहीं किए इसकी वजह से मैंने लेमन डाला है। तो मैंने 1/2 नींबू का रस इसमें मिक्स किया है। अभी इसको मैं ये विस्टर की मदद से मैं मिक्स कर दूँगी। देखो ये हमारा, मैंने ऐसे चेक कर लिया, ये जो है ना वो प्रॉपर हमारा बेसन हो गया। बट स्टिल इसको मैं ओवन के अंदर 2 मिनट के लिए पकाऊँगी क्योंकि ये बेसन है, अगर अच्छे से पकेगा नहीं तो वो पेट पर दर्द करेगा। अभी इसको मैंने एक बाउल के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखो हमारा बेसन एकदम कड़क भी नहीं है और एकदम वो लूज़ भी नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो ऐसे मैं पूरा जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। अभी इसको अगर ओवन नहीं है तो आप ऐसे ही इसको नीचे रोटी की जो हमारी तवी रहती है इस पर भी पका सकते हो। मेरे पास ओवन है तो मैं ओवन के अंदर 2 मिनट के लिए इसको सिर्फ माइक्रोवेव कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, अगर थोड़ा भी हमारा जो बेसन कच्चा रह गया है तो इसके अंदर ये पक जाएगा। तो ये मैं कर रही हूँ, आप अगर वो गैस पे प्रॉपर कर दोगे तो कोई इश्यू नहीं है। अभी ये जब तक हो रहा है तब तक एक डिश के अंदर मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है, जिससे हम लोग जो हमारा बेसन है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ग्रीस करने का रीज़न ये है कि जिससे वो नीचे चिपकेगा नहीं। तो ये हमें ग्रीस कर लेना है एक ब्रश की मदद से। तो ये हो गया है, और तब तक हमारा जो बेसन है वो भी पक गया है। तो इसको हम बेसन भी इसके अंदर हम अभी ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए ये हमारा बेसन जो है वो इसके अंदर 2 मिनट में हो गया है। अभी इसको हमें वो जो प्लेट है प्लेट के अंदर हमें ट्रांसफ़र कर देना है। देखिए ये प्लेट के अंदर मैंने बेसन को ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी इसको हाथ की मदद से मैं एक इवन कर दूंगी, जिससे छोटा बड़ा नहीं रहे, एकदम इवन हो जाए। इवनली इसको स्प्रेड करना है। ये एकदम अच्छे से हो गया है। अभी 2 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको जो मैं हूँ वो एक स्क्वायर के अंदर हम काट देंगे। अगर आपको ऐसे काटना नहीं है, आप ऐसे गोल गोल उसकी गुठलियाँ बना के भी कर सकते हो, तो वो एकदम से वो जो गट्टे की सब्ज़ी होती है ना वो वैसे हो जाएगी। बट ये जो है मैं इसका ढोकली बना के मैं इसका सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मैंने इसको कटर के मदद से कट कर दिया है। तो देखिए ये हमारा जो है वो बेसन की ढोकली जो है वो रेडी हो गई है। अभी इसका हमें तड़का लगाना है। मेन जो है ना इसका मेन तड़के में ही इसका जो है वो है। इसके लिए मैंने एक पैन, फ्राई पैन ले लिया है, जिसके अंदर मैंने 2 टीस्पून जितना ऑयल डाला है।
इसके बाद मैं इसको मैं जीरा डालूंगी। ये जीरा जब तक हो जाएगा तब तक इसके अंदर मुझे थोड़े खड़े मसाले भी ऐड करनी है। तो ये मैं एक बे लीफ लूँगी, तमालपत्र जिसको बोलते हैं वो डालना है, दो आखी रेड चिली है वो डालेंगे, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, एक सिनेमन स्टिक डालेंगे और दो इसके अंदर दो से तीन मैंने क्लोव्स लिए हैं लविंग। ये खड़े मसाले हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करना चाहते हो तो ये आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको एकदम टैंगी और एकदम टेस्ट चाहिए इसके अंदर और ढोकली की सब्जी के अंदर, ये थोड़े खड़े मसाले पड़ते ही है तो मैंने ये डाले हैं। अभी इसके अंदर मैंने एक अनियन जो है वो मैंने चॉपर में चॉप किया है, तो वो अनियन हम डाल देंगे। अनियन को हमें जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तब तक हमें पकाना है, तो इसको हम अच्छे से ऑयल के अंदर हम पका लेंगे, जिससे ये ऑयल जो ऑनियन जो है वो उसका पानी छोड़ देगा और ऑयल अंदर से छूटेगा। तो ये जो है जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो तब तक हमें अनियन को पका लेना है। देखिए ये अनियन हमारी पकती जा रही है, तो अभी हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये जब तक होता है तब तक इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये हमने ढोकली में भी डाला है और हम इसमें भी डालेंगे, इसके बिना ढोकली की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो ये जो है ये आप ज़रूर डालिए अगर आप कांदा लहसुन खाते हो तो। देखिए ये जो है हमारा अभी अदरक लहसुन भी पके और अनियन भी पके, तब तक 2 या 3 मिनट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तब तक मैंने ये गार्लिक और लहसुन और ये रेड चिली की चटनी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाला है, तो वो इसके अंदर हम डालेंगे। कोई भी काठियावाड़ी सब्जी बनाते हो तो आप ऐसे ही रेड चिली पेस्ट बना के इसके अंदर डालो, और इसके अंदर पानी इसीलिए डालना है क्योंकि हम पानी नहीं डालेंगे डायरेक्टली, अगर हम रेड चिली जो है वो ऑयल में डालेंगे तो वो जो है वो जल जाती है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो वो नहीं करना है। इसीलिए इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के ही हमें सब्जी के अंदर यूज़ करना है। अभी इसके अंदर हम जो है वो दूसरे मसाले डालेंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो। तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर डाला है, 2 टीस्पून जितना इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून जितनी, और सॉल्ट हमें डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये जो है वो ड्राई मसाले हो गए। अभी ये ड्राई मसाले जब तक नहीं पकेंगे तब तक हमें वेट करना है। सॉल्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है। अभी ये जो है वो हमें पूरा मिक्स कर देना है, तो ये मसाला मिक्स करना है अभी, तो इसको हम प्रॉपर इसके अंदर सब स्टेयर कर देंगे। देखिए देखो अच्छे से हमारा मसाला जो है वो अनियन और अदरक लहसुन के अंदर मिक्स हो गया। अगर आपको लगता है कि अभी इसके अंदर से तेल नहीं निकला है तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, मसाला प्रॉपर पकेगा और तेल छोड़ देगा। अभी इसके अंदर जो हमने ढोकली बनाई थी वो हम डालेंगे। देखो ढोकली जो है इसके अंदर मिक्स करना है, वो भी जो मसाला है वो पूरा ढोकली के ऊपर कोट हो जाएगा। आप अगर कोरी सब्जी भी खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो, अगर आपके आपको इसके अंदर छाछ या पानी या कुछ नहीं डालना है तो आप ऐसे भी खा सकते हो। देखो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, सिर्फ इसके ऊपर आप कोरिएंडर डाल दो तो आपका ये सब्जी जो है वो सूखी सब्जी रेडी है। इसको अच्छे से मिक्स कर दो, देखो पूरा जो मसाला है वो हमारा ढोकली के ऊपर आ गया है और इसने सब्जी ने जो है वो ऑयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी ये स्टेज पे आके अगर आपको इसके अंदर पानी डालना है या छाछ डालनी है तो अब आप डाल सकते हो, क्योंकि आपका जो मसाला है वो ढोकली ने प्रॉपर उसके अंदर ऑब्जर्व कर दिया है। देखिए मैंने 1 कप इसके अंदर छाछ लिया है, तो 1 कप मैं छाछ डालूंगी और 1/2 कप जितना इसके अंदर और पानी डालूंगी, क्योंकि पानी जो है वो इसको इसीलिए डालना है क्योंकि ये जो बेसन है वो पूरा पानी सोक करेगा, तो इसके लिए थोड़ा पानी डालना है। देखिए बहुत अच्छे से इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया और ये जो कलर जो दिख रहा है ना आपको, ये जो हमने गार्लिक का पेस्ट वो मिर्ची वाला जो पेस्ट बनाया था ना उसका ये कलर है। तो कभी भी आपको अच्छा कलर चाहिए तो आप ऐसे ही ट्राई कीजिए, गार्लिक के अंदर मिर्ची डाल के आप पेस्ट बना के सब्जी जब भी अच्छा, आप छौंक लगा रहे हो तब उसके पानी में डाल दिया सॉरी तेल में डाल दीजिए, तो आपकी सब्जी का कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये हमारी जो सब्जी है वो रेडी हो चुकी है, अभी इसको हम बाउल के अंदर सर्व करेंगे।
देखिए, देख रहे हो ना आप कलर कितना अच्छा आ रहा है। देखो, आप जितना भी डालोगे ना तेल इसके ऊपर आ ही जाएगा, क्योंकि इसका जो कलर है वो मिर्ची की वजह से। तो ये देखिए, हमारा जो है ढोकले की सब्जी रेडी है। इसको आप कभी भी रोटी के साथ या बाजरे की रोटी के साथ भी आप बना के खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी ही इजी रेसिपी देखने के लिए, बनाने के लिए मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।